हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ मैं बना रही हूँ चाय। तो अभी सब लोग चाय पीकर फिर अपने अपने काम पे लगेंगे। तो ये ब्लॉग है कल का, यानी कि थर्सडे का, नवरात्रि का। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ सब बैठ के चाय पी रहे हैं। चाय पीने के बाद चलेंगे अपने अपने काम पे। तो मम्मी जी फ़िलहाल यहाँ भिंडी काट रही हैं और मैं यहाँ पर पटल छील रही हूँ। तो आज बनेगा भिंडी की सब्ज़ी और पटल आलू का भुजिया। तो आलू भी मम्मी जी ही काटेंगे, क्योंकि आलू का भुजिया मेरे से उतना अच्छा कटता नहीं है और बहुत ही टाइम लग जाता है। तो इसलिए भुजिया भी मम्मी जी काटेंगी। और उसके बाद मम्मी जी को आज जाना है डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर वो 10 बजे निकलेंगी और हम लोग भी काम जल्दी से करके हम लोग भी निकलेंगे पूजा करने के लिए। तो हमारे शहर में जो छाई रोड है वहाँ पर दुर्गा माँ की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो मैं और जो मेरी जेठानी है पूजा दी, दोनों जाएंगे। तो लगभग 9 से 10 के बीच हम लोगों को निकलना है। तो मेरी मम्मी जो आएंगी उधर से और हम और पूजा दी इधर से जाएंगे पूजा करने के लिए। तो हम तीनों ही आज पूजा करेंगे। मम्मी जी तो वहाँ डॉक्टर के यहाँ जाएंगी तो वो नहीं जा पाएंगी और पूनम भी नहीं जाएंगी। बस हम दोनों ही इधर से जाएंगे, उधर से मेरी मम्मी आएंगी। तो बस यहाँ भिंडी की सब्ज़ी मैं डाल रही हूँ और साथ में पटल अभी मैंने काटा नहीं है, तो साथ में मैं उसे भी काट लूँगी और दोनों तरफ चढ़ा दूंगी। तो जल्दी से हो जाएगा काम ख़त्म। और दी भी आटा गूंथ लेंगी और इधर सब्जी बन रही है भिंडी की और साथ में मैंने पटल का भुजिया भी चढ़ा रखा है। और ये आलू जो मम्मी जी ने काट कर लाया, जो मेरे से उतना अच्छा कटता नहीं है। और ये है मट्ठा, तो मम्मी जी ने मट्ठा तैयार कर दिया है। तो मट्ठा अगर आप लोग खाते होंगे तो आपको पता होगा बहुत ही अच्छा लगता है नमक और रोटी डाल कर खाने से। और ये भिंडी की सब्ज़ी लगभग तैयार है और यहाँ आटा भी गूंथा गया है। तो ये अब बनेगा रोटी अब। और इधर भुजिया भी लगभग रेडी है। इधर बन रहा है लेमन टी, तो ये आपको पता होगा रॉबिन सी पीते हैं तो अच्छा है। और इधर मम्मी जी साफ़ कर रही हैं फ्रिज, तो आज मम्मी जी पूरा फ्रिज क्लीन करके जाएंगी। और इधर बना रही हैं पूनम रोटी। तो बस जिनको पूजा नहीं करना वो फटाफट खा लेंगे खाना और फिर हम लोग निकलेंगे पूजा के लिए। और ये पूजा दी हो रही है रेडी नहा धोकर, मैं और पूजा दी रेडी होकर निकलेंगे आपसे फिर मंदिर। Keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in. और ये देखिए माँ दुर्गा की प्रतिमा, कितना आकर्षक प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। जैसे लग रहा है माँ दुर्गा साक्षात यहाँ आकर के खड़ी हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं पूजा करने के लिए। और यहाँ बगल में ही मंदिर है, बस जस्ट मंदिर के बगल में माँ दुर्गा का प्रतिमा स्थापित किया गया है। और यहाँ हम लोग अगर बगल में दुकान है तो वहाँ सारी पूजा की सामग्री मिल रही थी, तो हम लोग बस वहाँ से सारे सामान ले रहे हैं पूजा करने के लिए, जो भी लगेगा जिनको। तो एक यहाँ बहुत सारे दुकान है तो आप कहीं भी खरीद सकते हैं। तो जस्ट बगल में रोड था, रोड के बगल में दुकान लगी हुई है, तो हम लोग वहीं से ख़रीदारी कर रहे हैं। और बस फूल हम लोगों को एक दुकान में नहीं मिल पाया था, तो हमने दूसरी जगह से फूल लिया था। बाकी सारी चीज़ें हमें एक जगह मिल गई थी। तो बस हम लोग ये सारी चीज़ें लेकर के जाएंगे और पूजा करेंगे। तो भीड़ तो खैर काफ़ी है, अभी लगभग 10 बज रहे हैं तो भी काफ़ी भीड़ है, क्योंकि सुबह से ही लोग आ रहे हैं पूजा करने के लिए। तो इधर देखिए कितनी सारी दुकानें लाइन में लगी हुई है। और ये है फूल जहाँ से हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ फूल था तो हम लोग यहाँ से ले लिए हैं और अब जाएंगे पूजा करने। तो अब देख सकते हैं सामने ये क्या डिज़ाइन तैयार किया गया है, मस्त बहुत ही अच्छा दिख रहा था। और ये यहाँ एक मूर्ति बना हुआ है, जस्ट ये जो पहाड़ जैसा बना है इसके ऊपर शंकर जी का मूर्ति बना था, वो भी बहुत ही अच्छा था। और आप भीड़ देख सकते हैं कितनी भीड़ है, तो बहुत सारे लोग दर्शन करने आए हुए हैं माँ दुर्गा का और बहुत सारे लोग पूजा भी करने के लिए आए हुए हैं। तो बस अब हम लोग भी फटाफट कर लेते हैं माँ दुर्गा की पूजा। और आप सभी को नवरात्रि की ढेर शुभकामनाएं फिर से। और ये था हमारा आज का वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। You fill my soul with light, the day.
have me by your side when the sun sets.